साथियों नमस्कार, आज एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि ये हम आपको बताएंगे कि फ्रिज में हीटर किस तरह से सेट किया जाता है। साथियों, ये वर्लपूल का 320 लीटर का फ्रिज है और इसे हम बड़ी ही सावधानी से इसकी ग्रिल को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये अंदर। साथियों, हीटर ख़राब है, इसकी कमी का कैसे पता लगता है? जब हम इस फ्रिज को देखने के लिए आए तो हमने देखा कि इसके टाइमर से फ्रिज बंद था, फ्रिज ऑन नहीं हो रहा था। जब टाइमर इसका बंद था तो हमने अंदर से खोल के देखा और कंटिन्यू से जो चेक किया तो हमें इसका हीटर ख़राब पाया। साथियों, इसका हीटर आसानी से नहीं मिलता, ये हम दिल्ली से जाके लेके आए और पुराने हीटर को भी साथ ले गए थे। अगर इसमें दूसरा पुराना हीटर हम साथ नहीं ले जाते तो हीटर हमें सही नहीं मिलता। साथियों, ये हीटर बहुत ही महंगा आता है, इसलिए हमें इस हीटर को बड़ी ही सावधानी के साथ में फिट करना है। साथियों, ये हीटर दोनों साइड से सेट होता है, फ्रीजर के उल्ली तरफ भी और फ्रीजर के परली साइड भी। इसलिए जहाँ जहाँ से हमने इसको निकाला था वहीं वहीं पे हम इसको उसी तरह से सेट करेंगे जिस तरह से हमने निकाला था। साथियों, ये बड़ी ही सावधानी से हमने इस हीटर को सेट कर दिया है। इसमें कुछ लॉक लगे हुए होते हैं, जो लॉक के माध्यम से हम इसको सेट कर देंगे और बड़ी ही सावधानी से हम इसको पहले की तरह फिट कर देंगे। साथियों, अगर किसी भी फ्रिज का टाइमर से बंद हो फ्रिज, तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि इसका हीटर ख़राब है, क्योंकि जब हीटर करंट नहीं देता तो टाइमर अपना आप ऑफ हो जाता है और फ्रिज बंद पड़ा रहता है। साथियों, ये हमने अच्छी तरीके से इसमें सेट कर दिया है। जो इसमें नीचे पत्ती होती है उसमें भी लॉक होते हैं, वहाँ पे भी हमने इसमें लॉक लगा दिए। साथियों, कुछ लॉक नहीं लग पाए थे, ख़राब हो चुके थे, इसलिए हमने कैपलरी का सहारा लिया, हमने कैपलरी लगा के इसमें सेट किया। साथियों, ये हमने कैपलरी लगाकर भी इसको सेट कर दिया है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह हमने अंदर फिट कर दिया। साथियों, जिस तरीके से फ्रिज में कमी आती है हमें बड़ी ही सावधानी से देखना होता है कि किस पार्ट में कमी आई है। साथियों, मैं चाहूँगा कि अगर आपके सामने भी इस तरह की कमी आए तो आप भी बड़ी ही सावधानी से इसको ठीक कर लेंगे। साथियों, इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि जो नए साथी हैं वे भी इससे कुछ काम सीख जाए। साथियों, कोई भी काम हार्ड नहीं होता, अगर ध्यान से करा जाए तो सब काम संभव है। इसलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए लाइक करें। साथियों, ये फ्रिज हमने चालू कर दिया, इसमें आप देख सकते हो बर्फ़ भी आनी शुरू हो गई है। साथियों, ये फ्रिज हमारा कंप्लीट है और आप देख सकते हो बिल्कुल इसमें बर्फ़ आनी शुरू हो गई है। अब हम इसको जैसे पहले की तरह ही बंद कर देंगे। साथियों, ये अब हमने इसको बंद कर दिया, ये हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी सही तरीके से ना लगता तो ये सेट ना हो पाता। तो साथियों, धन्यवाद, आपने अपना जो इतना कीमती समय हमें दिया, इसलिए आप तैयार रहे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी होने वाली है।